जय हिंद, मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बिहार वाला आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं अपेंडिक्स के बारे में, ठीक है। अपेंडिसाइटिस बताने वाले हैं, अपेंडिक्स जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन कैसे होता है, अपेंडिक्स का दर्द कैसा होता है, उसका मतलब दर्द कहाँ शुरू होता है, कहाँ एंड होता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। और मतलब क्या बताने वाले हैं, क्लिनिकल फीचर, साइंस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सब चीज बताने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं, ठीक है। एक अपेंडिक्स का छोटा मतलब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। देखें, इट इज लोकेटेड, लोकेशन देख लेते हैं कहाँ लोकेटेड रहता है। सबसे पहले, इट इज लोकेटेड एट द टर्मिनल एंड ऑफ सीकम वेयर द टीनिया ज्वाइन अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसाइकल ओरिफिस। इलियोसाइकल ओरिफिस क्या होता है, देखिए, इधर से जो छोटा इंटेस्टाइन होता है, छोटा इंटेस्टाइन जो होता है ना, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से जहां से शुरू होता है वहां से साइकम, साइकम कोलोन, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद क्या आता है, इधर से आकर बढ़िया आकर एनस में यहाँ मल द्वार बनाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ इलियोसिकल ओरिफिस के पास, इलियम और सिकम के पास, उसके मतलब बिलो, उसके मतलब 2 सेंटीमीटर नीचे अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब पोजीशन होता है, बहुत सारा 8 पोजीशन है, हम पिछले वीडियो बना चुके हैं पोजीशन पे अपेंडिक्स के, ठीक है, तो जाकर देख सकते हैं। देखिए, इसका लंबाई कितना होता है, 5 से 10 सेंटीमीटर लंबाई होता है। साइज इट बट कैन बी मतलब वेरिएबल, हर आदमी में वेरिएबल रहता है ना। तो देखिए, वेरिएबल क्या होता है, मतलब किसी में 5 सेंटीमीटर हुआ और किसी में 4 सेंटीमीटर हुआ, किसी में 8 सेंटीमीटर, किसी में 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हर किसी में वेरिएबल होता है अपेंडिक्स, ठीक है। डायमीटर अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स का जो मोटाई कितना होता है, जो मान लेते हैं लंबा होता है, मोटाई कितना होता है, लंबा तो होता है कितना, देखिए 5 से 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसका मोटाई कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, देखिए डायमीटर इसका 3 से 8 मिलीमीटर का होता है इसका डायमीटर, ओके। और शेप देखिए, शेप इसका जो होता है वर्मी फॉर्म होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वर्मी फॉर्म शेप होता है इसका, है ना, वर्मी फॉर्म शेप होता है। और जो इसका कलर जो होता है, प्योरली व्हाइट टाइप का होता है, प्योरली व्हाइट टाइप का कलर इसको देखने को मिलेगा। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैरामेडिकल हो गया, एमबीबीएस होगा, कोई भी मतलब कोर्स में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका कलर, ठीक है। नॉर्मली द अपेंडिक्स साइट्स इन द लोअर राइट एब्डोमेन, लोअर और राइट यानी नीचे की तरह दाहिने साइड में, ठीक है। मान लेते हैं आपका मतलब पेट हुआ, है ना, यहाँ अम्बलाइकल है, अम्बलाइकल तो ये क्या है, ये राइट है, इसको किस पोजीशन, क्या कौन पोजीशन बोलते हैं, राइट इलियक पोजीशन बोलते हैं, राइट इलियक पोजीशन। तो राइट इलियक पोजीशन में क्या होता है, अपेंडिक्स लोकेटेड रहता है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए, मोस्ट कॉमन रेट्रोसिकल पोजीशन होता है इसको, देखिए रेट्रोसिकल जो सीकम होता है उसके पीछे की तरफ, मान लेते हैं ये क्या है, सीकम है, सीकम के पीछे की तरह अपेंडिक्स मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा उधर ही रहता है। देखिए, ये जो है रेट्रोसिकल अपेंडिक्स का मतलब पोजीशन है, इसको रेट्रोसिकल कम से कम 75% ऐसा रहता है, ठीक है, 75% आदमी में, और 32% आदमी में, 32% आदमी में पेल्विक पोजीशन पे रहता है, पेल्विक की तरफ रहता है। देखिए, मोस्ट कॉमन पोजीशन हुआ आपका रेट्रोसिकल, सेकेंड मोस्ट कॉमन पोजीशन हुआ पेल्विक। तो ये हो गया आपको अपेंडिक्स, नॉर्मली बता दिए अपेंडिक्स के बारे में। अब अपेंडिसाइटिस बताएंगे, उसमें इंफ्लामेशन कैसे होता है, आज हम लोग अपेंडिसाइटिस पे ही वीडियो बनाने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो अब हम लोग नॉर्मली अपेंडिक्स के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन हम लोग को आज पढ़ना है क्या, अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स जो होता है नॉर्मली उसमें इंफ्लामेशन क्यों हो जाता है। देखिए, सबसे पहले देखिए अपेंडिसाइटिस का हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। अपेंडिसाइटिस इज द इंफ्लामेशन ऑफ, अपेंडिसाइटिस इज द इंफ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है ना, अपेंडिक्स में इंफ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अपेंडिक्स जो होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता, स्वेलिंग यानी फूल जाता है और बहुत सारा दिक्कतें उसमें मतलब हो जाता है इंफ्लामेशन के कारण, ठीक है, तो उसको हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इट इज ए फिंगर शेप्ड पाउच दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम योर कोलोन ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन, एब्डोमेन के लोअर राइट साइड में कोलोन से शुरू होता है और लोअर राइट साइड में जाता है एब्डोमेन में, ठीक है। और इसका शेप कैसा होता है, फिंगर लाइक, मतलब शेप्ड होता है, पाउच टाइप का होता है ना, समझ में आ रहा है।
देखिए अपेंडिसाइटिस कॉज पेन योर लोअर राइट एब्डोमेन में। अगर आपको अपेंडिसाइटिस हो जा रहा है तो कॉज क्या करेगा, आपको क्या दिक्कत होगा, लोअर राइट साइड में पेन होगा, दर्द होगा पेट में, ठीक है, आइट के, ठीक है। टाइप्स ऑफ अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का टाइप्स कितना होता है, दो टाइप्स का नॉर्मली होता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस और क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। देखिए एक्यूट अपेंडिसाइटिस का मतलब हुआ सडन आपको दर्द हुआ, मतलब अभी ही या फ्यू डेज से, कुछ दिन से दर्द है, एक दो दिन से, यानी कुछ आवर से भी दर्द है, कुछ दिन से भी दर्द है, और एकाएक दर्द उठ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अगर एकाएक आपको दर्द हो रहा है, अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट जाकर करा ले रहे हैं आप, तो वो ठीक हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस पेन, ठीक है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस डेवलप वेरी फ्यू फास्ट विथ इन फ्यू डेज और फ्यू आवर्स एंड रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी रिक्वायर्ड हो जाता है। अगर फ्यू आवर और फ्यू डेज में, कुछ दिन में और कुछ समय से अगर आपको अपेंडिसाइटिस हो, मतलब अपेंडिसाइटिस का दर्द हो रहा है, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए या सर्जरी करा लेना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहा है तो सर्जरी करा लेना चाहिए। और जो क्रोनिक अपेंडिसाइटिस जो होता है, क्रोनिक अपेंडिसाइटिस रेयर कंडीशन में होता है। देखिए मान लेते हैं कोई पेशेंट बहुत ज्यादा गरीब है, वो रेफर नहीं कर सके, मतलब नहीं कर सकता है अपना, मतलब इलाज नहीं करा सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, दवा भी नहीं खा सकता है, वो क्या करता है, ऐसे छोटा मोटा दवा डाइक्लोफेनिक वगैरह लेकर खाता है और मान लेते हैं आज तो दर्द ठीक हो जाएगा, डाइक्लोफेनिक खाएगा तो कल फिर दर्द होगा, उसको परसों फिर दर्द होगा, और मतलब दो तीन दिन पर दर्द उखड़ते रहेगा, तो वो धीरे धीरे क्रोनिक का रूप ले लेता है, बहुत खतरनाक बीमारी का रूप ले लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोनिक। रेयर कंडीशन में होता है, और क्या होता है, क्रोनिक होता है तो वह रप्चर कर जाता है, अपेंडिक्स क्या करता है, रप्चर कर जाता है, अब पूरे जो इंटेस्टाइन है, स्टोमैक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उस सब में क्या होता है, टॉक्सिसिटी पैदा कर देता है, ठीक है, तो वो बहुत गंभीर रूप ले लेता है अपेंडिसाइटिस। तो ये रहा अपेंडिसाइटिस, और हम लोग क्या जानेंगे, तो अब हम लोग अपेंडिक्स के इटियोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। इटियोलॉजी मतलब कैसे होता है, जो अपेंडिक्स होता है ना कैसे होता है, कॉजेज क्या होता है इसका। देखिए मोर कॉमन इन यंग मैन में होता है। यंग मैन में क्या होता है, जो यंग मैन होते हैं ना तो ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, मतलब लो फाइबर, लेस फाइबर वाले चीज, हरी सब्जियां कम खाते हैं, ज्यादातर बाहर खा लेते हैं, घर नहीं खाते हैं, घर आकर नहीं खाते हैं, बाहर खा लेते हैं, क्या मतलब ज्यादातर फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, लेस फाइबर वाला चीज, मतलब हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं। हरी सब्जियां में क्या होता है, बहुत ज्यादा फाइबर होता है, अगर फाइबर वाला चीज खा रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत रहेगा, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, अपेंडिक्स वगैरह हर चीज सुरक्षित रहेगा आपका, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है सब मतलब सुरक्षित रहेगा, अगर ज्यादा फाइबर वाला चीज, हरी सब्जियां वगैरह, मतलब साग पात वाला चीज खा रहे हैं तो, ठीक है। अगर जो आप फास्ट फूड खा रहे हैं, लेस फाइबर वाला डाइट ले रहे हैं, उससे भी आपको हो जाता है, ठीक है, अपेंडिक्स। अगर व्हाइट पर्सन यानी उजला पर्सन कोई व्यक्ति है, उसमें अपेंडिक्स होने का ज्यादातर चांसेस रहता है। लेस फाइबर डाइट, अगर कम फाइबर वाला डाइट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उससे भी होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके मतलब पापा को या दादा को हुआ है पहले, मतलब फैमिली हिस्ट्री में किसी को अपेंडिक्स हुआ है, तो मतलब ट्रांसफर हेरिडिटी में ट्रांसफर हो जाने का चांसेस रहता है कि हाँ, मतलब आपको भी अपेंडिक्स हो सकता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो अपेंडिक्स होता है ना, देखिए जो अपेंडिक्स होता है ना, अपेंडिक्स के अंदर जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन इस तरह का ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। देखिए ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ल्यूमेन टिपिकली बाय लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया बट ओकेजनली ए फेकल मेटल फॉरिंग बॉडी और इवन वॉर्म्स। देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं बढ़िया से, इतना तेज पढ़े तो बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। देखिए जो है ल्यूमेन है ना, ल्यूमेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने के कारण एक लिम्फोइड नोड बन जाता है, लिम्फोइड बन जाता है क्यों, कि उसके बाद क्या हो जाता है, हाइपरप्लेसिया हो जाता है। हाइपरप्लेसिया का मतलब सेल जो होता है ना, सेल का नंबर इंक्रीज कर जाता है, सेल का नंबर इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो लिम्फोइड नोड का जो सेल होता है, सारा तरफ इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद बट ओकेजनली ये फीकल मेटल, इसमें जो फीकल मेटल जो मान लेते हैं इलियम में खाना पचकर आ रहा है और यहाँ सिक्कम में जाएगा, तो यहाँ से आपको मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से डिस्चार्ज होकर अपेंडिक्स में आ जाता है। तो फीकल मेटल भी भरता है, मतलब मल वगैरह फॉरेन बॉडी कोई आ जाता है इसके अंदर, और कुछ इवन वॉर्म्स आ जाता है, तो क्या होगा, यहाँ से बंद होगा तो क्या करेगा, डिस्टेंस करेगा, फैलेगा, यानी इतना अपेंडिक्स है तो इसका पेट फैल जाएगा, ठीक है, इसका बॉडी वाला पार्ट जो होता है फैल जाता है, ठीक है, और पूरा इसमें
पोस्ट वगैरह का कलेक्शन हो जाता है, पोस्ट भर जाता है, उसके बाद रफ्चर होने का चांसेस इसलिए बहुत ज्यादा दर्द होता है। देखिए द ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या लीड करेगा, डिस्टेंशन होगा, अपेंडिक्स का जो बॉडी होगा, अपेंडिक्स का बॉडी जो होगा फूल जाएगा, बीच वाला बॉडी फूल जाएगा, डिस्टेंशन होगा, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, अपेंडिक्स टू बिकम इंफ्लामेड, इंफ्लामेड हो जाएगा, फैल जाएगा, स्वेलन एंड फिल पस, फूल जाएगा और पस भर जाएगा उसके अंदर, ठीक है, अपेंडिक्स के अंदर। उसके कारण क्या होगा, इस्केमिया और रप्चर। इस्केमिया का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब मतलब यहाँ पे भर जा रहा है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम हो जाता है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो यहाँ पे सेल डेथ करने लगेगा, सेल डेथ करने लगेगा तो कमजोर पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रप्चर हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा तो बहुत सारा टॉक्सिसिटी हमारे एब्डोमेन में हो जाएगा, और जो लोग मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमेक वगैरह में सब में टॉक्सिसिटी हो जाता है, तो ये भयंकर रूप हो जाता है अपेंडिक्स का, इससे पेशेंट का मतलब डेथ भी हो जाता है। तो ये रहा इटियोलॉजी, ठीक है। तो अब हम क्या बताने वाले हैं आपको, डायग्नोसिस के बारे में, यानी नहीं इसके बारे में, इसके बाद हम लोग क्या बताएंगे, साइन सिम्टम, उसके बाद बताएंगे डायग्नोसिस के बारे में। अगर आपको अपेंडिक्स हो जा रहा है तो आपके अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको अपेंडिसाइटिस हो जा रहा है, हो गया है, तो आपके अंदर क्या क्या लक्षण डॉक्टर देख सकते हैं, क्या क्या लक्षण मतलब आपके अंदर देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले मॉर्फिट राइट PVT पेन होगा आपको, सबसे पहले लोअर राइट साइड में पेन होगा एब्डोमेन के, उसके बाद वोमिटिंग होगा, उल्टी टाइप का मन करेगा, ठीक है, नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा, और टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी आपको फीवर होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ सा रहेगा, ठीक है, पीवीटी मॉर्फिट राइट होगा, ठीक है। सडन पेन दैट बिगिन्स अराउंड अब्लाइकस, देखिए मान लेते हैं आपका पेट हुआ, समझे ना, पेट हुआ, अम्ब्लाइकल हुआ, यानी ढोंड़ी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, अम्ब्लाइकल हुआ, अम्ब्लाइकस के अराउंड उसके सारा तरफ, उसके सारा तरफ दर्द शुरू होगा, ठीक है, और यह सिर्फ दर्द कहाँ कर जाएगा, राइट इलियक फोसा लोअर पार्ट में, राइट यहाँ पे दर्द, यानी राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा दर्द कुछ आवर के बाद। देखिए सडन पेन दैट मीन्स अराउंड अम्ब्लाइकस ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के डिस्टेंशन होने से, अपेंडिक्स को फूलने से, अपेंडिक्स के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होने से अपेंडिक्स क्या होता है, फैल जाता है, डिस्टेंशन हो जाता है। जब फैल जाता है, फैल जाता है तो कहाँ, देखिए फैल जाता है ना तो इलियोसिकल जो ओरिफिस होता है वहां से उठकर और अपेंडिक्स कहाँ पे, पेरिटोनियम लेयर में सटता है। जब पेरिटोनियम लेयर में सटता है तो आप अगर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं पे मूवमेंट, छोटा ही मूवमेंट या खांस हो रहे हैं तो उस सटता है पेरिटोनियम लेयर में, पेट के लेयर में सटता है ना, और उसके अंदर इंफ्लामेशन हुआ है, बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ है, उसको बहुत सारा दिक्कत है अपेंडिक्स को खुद है ना, तो उस सटता है पेरिटोनियम लेयर में, उसके कारण क्या होता है, दर्द होता है ना। तो ये समझ लिए कहाँ दर्द होगा, अम्ब्लाइकल के मतलब अराउंड में दर्द होगा, और शिफ्ट होगा कहाँ, राइट इलियक फोसा में, ठीक है। पेन दैट वार्निश, बहुत मतलब गंभीरता पेन होगा, इफ यू खांसी, अगर आप खांस रहे हैं, वॉक चल रहे हैं, एनी मूवमेंट, अदर मूवमेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। नौजिया होगा, वोमिटिंग, मतलब उल्टी टाइप का मन करेगा, ओपीआई टाइप का मन करेगा, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको बहुत कम भूख लगेगा है ना, अपेंडिक्स। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, मतलब पॉलीयूरिया हो जाएगा, पॉलीयूरिया मतलब क्या समझें, यूरिन का मतलब आउटपुट बहुत ज्यादा आपको पेशाब लगेगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन डायरिया क्यों हो रहा है, अगर अपेंडिक्स जो होता है ना, अपेंडिक्स का हम पोजीशन बता दिए, 8 पोजीशन होता है, पिछले वीडियो में बताए हैं, नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, पोजीशन होता है, देखिए अगर पोस्टियर पोजीशन, यहाँ पोस्टियर पोजीशन और पेल्विक पोजीशन, नीचे वाला पोजीशन, दो पोजीशन में अपेंडिक्स ज्यादातर मतलब ज्यादातर नहीं रहता, अगर दो पोजीशन में रहता है ना, पोस्टियर पोजीशन और पेल्विक पोजीशन, तो आपको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, मतलब पेट में कब्ज होगा, पेट झरेगा, ये सब आपको समस्या देखने को मिल जाएगा साइन सिम्टम्स में। अब हम लोग इसका डायग्नोसिस पढ़ने वाले हैं, इसको मतलब हो गया है किसी पेशेंट को, डायग्नोस कैसे करेंगे तो वो जानने वाले हैं लोग। तो अगर आप पता चल जाएगा, अगर हम साइन सिम्टम्स देखकर पेशेंट को पता लगा लेंगे कि इसको अपेंडिसाइटिस हुआ है, तो हम लोग डायग्नोस क्या करते हैं, देखिए डायग्नोस में हम लोग पहले सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को पहले लेटाएंगे और लेटाकर उसको देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे, दाबेंगे, वहां दर्द होगा तो बोलेंगे कि हाँ अपेंडिसाइटिस हुआ। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, जैसे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, BTCT ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर का लेवल, ये सब कराते हैं, ठीक है, और एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे, ठीक है, एब्डोमिन में एक्सरे कराएंगे,
और क्या कराते हैं, एक्सरे कराने के बाद यूरिन टेस्ट भी कराते हैं। यूरिन टेस्ट भी कराते हैं किसके लिए, देखिए यूरिन टेस्ट कराते हैं हम लोग, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण भी आपको राइट साइड में एब्डोमेन में दर्द होगा, और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, ब्लैडर में अगर स्टोन हो जा रहा है तो उसके कारण भी आपको राइट साइड में दर्द होगा। लेकिन तब आपको क्या लगेगा कि हाँ हमको अपेंडिक्स हुआ है, लेकिन नहीं, आपको स्टोन से भी दर्द हो सकता है राइट साइड में अगर ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो। उसके बाद हम लोग एक्सरे कराएंगे किसके लिए, इसको देखने के लिए, है ना, और यूरिन टेस्ट भी कराएंगे इसको देखने के लिए, एक्सरे भी कराएंगे किडनी स्टोन देखने के लिए, यूएसजी कराएंगे पेट का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई स्कैन कराएंगे, ठीक है, एमआरआई स्कैन कराएंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट। तो जैसा कि हम लोग डायग्नोसिस के बारे में पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट के बारे में देखिए, ट्रीटमेंट हम लोग अपेंडिसाइटिस का क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में हम लोग क्या करते हैं, देखिए कंजर्वेटिव में वो करते हैं जो हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े और क्या बीमारी भी ठीक हो जाए, जैसे दवा खाकर बिना ऑपरेशन का इलाज हो जाता है, दवा खाकर ठीक हो जाता है, ठीक है, उसको कंजर्वेटिव करते हैं। तो सबसे पहले अपेंडिसाइटिस किसी पेशेंट को हो रहा है तो उसमें हम क्या देखे, एंटी एंजाइटिस देंगे। क्यों एंटी एंजाइटिस दे रहा है, क्योंकि पेशेंट को दर्द होता है ना, बहुत भयंकर वाला दर्द होता है और वो क्या होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है दर्द को लेकर, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग एंटी एंजाइटी एंजाइटी कम करने के लिए एंटी एंजाइटी ड्रॉग देंगे, बेंजोडाइजिपम, अल्प्राजोलम, डाइजिपाम, क्या तीन को देंगे, बेंजोडाइजिपाम, अल्प्राजोलम, डाइजिपाम, तीन को देंगे एंटी एंजाइटी एंजाइटी कम करने के लिए। और दूसरा देंगे एंटीबायोटिक्स देंगे किसके लिए, जो अपेंडिक्स जो होता है ना उसमें इंफ्लामेशन हो जाता है उसको कम करने के लिए, मेट्रानिडाजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन देंगे, और बीटा एड्रेनर्जिक देंगे। क्यों बीटा एड्रेनर्जिक क्यों दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए पेशेंट बहुत हबड़ाया होता है, बहुत बेचैनी में रहता है, क्योंकि उसको दर्द होता है बहुत ज्यादा अपेंडिक्स का, ठीक है, तो उसका बीपी क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, इसके कारण जब बेचैनी में रहेगा पेशेंट, उसको ज्यादा दर्द करेगा तो बेचैनी में हड़बड़ी में रहेगा, ठीक है, इसलिए उसका बीपी बढ़ जाता है। तो हम लोग एटेनोलॉल और प्रोप्रानोलॉल देते हैं बीटा ब्लॉकर, क्योंकि बीपी को क्या करे, डिक्रीज करे, बीपी को डिक्रीज करने के लिए देते हैं बीटा ब्लॉकर। और एंटी इमेटिक्स देते हैं, डेक्सामेथासोन देते हैं, जो उसमें इंफ्लामेशन हुआ रहता है ना अपेंडिक्स में उसको कम करने के लिए देते हैं, ठीक है, और वोमिटिंग के लिए ओंडेमोग्रा दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ओपन एपेंडेक्टॉमी करेंगे, जो पेट होता है ना पेट को ओपन करेंगे हम, मेक बर्नी इंसिजन देंगे ऐसे, ठीक है, मेक बर्नी इंसिजन जिसको बोलते हैं, मेक बॉर्नी इंसिजन देंगे, मेक बॉर्नी इंसिजन, एमसी बॉर्नी इंसिजन देंगे, चीड़ा लगाएंगे और ओपन स्टोमेक को ओपन मतलब किसको, एब्डोमेन को ओपन करके एपेंडेक्टोमी करेंगे। उसके बाद लैप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी करेंगे, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे, ठीक है, तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑपरेशन करने का प्रोसीड्योर क्या रहता है, कि मतलब ऑपरेशन कैसे करते हैं, प्रोसीड्योर अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आज पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।